नमस्कार, अड्डा 247 पे आप सभी का स्वागत है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी को लेते हुए तत्सम और तद्भव को बताने के लिए एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं। तत्सम और तद्भव क्या होता है, आज उसके बारे में जानकारी लेंगे। आशा है आप बहुत मेहनत से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। उसी एग्ज़ाम को और तैयारी तेज करने के लिए तत्सम तद्भव को लेकर के यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न हम भी दे देना चाहते हैं, ताकि आपके तैयारी में कहीं से कोई भी कमी न रहने पाए। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम वह शब्द कहलाता है जो संस्कृत से लिया गया है, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव कौन सा शब्द कहलाता है? जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयुक्त किए गए हैं वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो अब इसके ऊपर आपके प्रश्न कैसे आते हैं जरा देखते हैं। इसमें हमने कुछ 10 क्वेश्चन को अभी यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 10 प्रश्न हम लिए हैं। इस 10 प्रश्न में आपको ये ढूंढना है कि इनमें से कौन तत्सम शब्द है। आपको तद्भव नहीं ढूंढना है। तत्सम यानी वो ऐसे शब्द जो सीधे सीधे संस्कृत से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें अश्रु, रेडियो, पगड़ी और कान। अब आप कैसे पहचानेंगे कि वो संस्कृत से लिए गए हैं? तत्सम शब्द हमेशा थोड़ा सा क्लिष्ट होते हैं बोलने में। अगर वो बोलने में थोड़ा सा क्लिष्ट है तो आप आसानी से इसको पकड़ सकते हैं कि यह तत्सम शब्द है। और जो थोड़ा सा सामान्य भाषा में होता है, थोड़ा सा ऐसी भाषा में लिया होता है जिससे हम आसानी से उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उसका उच्चारण कर सकते हो, तो वह अक्सर तद्भव शब्द हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अश्रु, रेडियो, पगड़ी और कान, इसमें अश्रु जो है आपका तत्सम शब्द है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्षुधा, निर्दोष, मूढ़ और जंघा। तो यहाँ पर आपका जो तत्सम शब्द है उसमें आप बताइए कि क्षुधा होगा, निर्दोष होगा, मूढ़ होगा या जंघा होगा। तो यहाँ पर आपको यही चेक करना है कौन सा शब्द बोलने में थोड़ा सा टफ या क्लिष्ट लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं निर्दोष शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द है। यहाँ पे आपको केवल तत्सम शब्दों को ढूंढना है। यहाँ पे देखिए, विवाद, क्षिति, थान और रात, इसमें विवाद शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, चांद, चंद्रमा, चंद्र और चंद्र, तो यहाँ पे चंद्र शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। चिंता, मानिक, तांबा, नैहर, तो यहाँ पे चिंता शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द है। आइए अगला देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, सिपाही, घुड़सवार, योद्धा और दही, तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है वो होगा योद्धा। यौवन, भीड़, सूरज, बस चालक, तो यहाँ पे जो संस्कृत से शब्द लिया गया है यानी जो तत्सम शब्द होगा वो होगा आपका यौवन। यहाँ पर चोंच, चरित्र, गेहूं और उछा, तो यहाँ पे जो चरित्र होगा वो आपका तत्सम शब्द होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, बांझ, पुण्य, सूत और खीर, तो यहाँ पे पुण्य शब्द जो है वो आपका तत्सम शब्द होगा। प्रश्न नंबर 10 अगर देखें, चौथा, भाग्य, बुढ़ापा, चांदी, इनमें से भाग्य जो शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है। आपके पास जो इस समय उपलब्ध किताब होगी उसमें आप एक सीक्वेंस में तत्सम और तद्भव को पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको यही अंतर मिलेगा कि जो थोड़ा सा ऐसा शब्द होगा जो आसान होगा बोलने में और बोलने के साथ साथ उसे सीधे संस्कृत से लेकर के बदल करके अपनाया गया है वो आपका तद्भव शब्द होते हैं, और जो शब्द सीधे संस्कृत से लिए गए हैं वो शब्द आपके तत्सम शब्द हैं। आइए और भी उदाहरण देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने कुछ प्रश्न देखा जिस प्रश्न में ये था कि कैसे हम तत्सम शब्दों को ढूंढेंगे। अब आइए हम आपको तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का दर्शन करा देते हैं, यानी तत्सम भी बता देते हैं और तद्भव भी बता देते हैं कि कैसे ये शब्द होते हैं और कैसे आप जानकारी ले पाएंगे कि जो शब्द यहाँ पे तद्भव लिखा है उसका तत्सम ये होगा। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देता है जहाँ पर लिख देता है कोई एक शब्द और पूछेगा कि इसका तत्सम क्या होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन अगर आ जाए कि हाथी का तत्सम क्या होगा, तो आप हाथी का तत्सम लिखेंगे हस्तिन। तो यहाँ पर कुछ
वर्ड यानी कुछ शब्द लिखे गए हैं जिसमें तत्सम और तद्भव को बताया गया है। यहाँ देखिए सर्प, सर्प जो है वह आपका तत्सम है यानी वह संस्कृत में इस्तेमाल किया गया है, संस्कृत का शब्द है और उसे हिंदी में लाया गया है। लेकिन अगर हम सर्प को थोड़ा सा परिवर्तित करके बोलते हैं जिसमें हम उच्चारण बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ पर वो वर्ड हो जाता है, वह शब्द तत्सम तद्भव हो जाता है, तत्सम से बदलकर तद्भव, और हम आसानी से उसे कहते हैं सर्प नहीं है, क्या है, सांप। अब सांप बोलने में आपको ज़्यादा आसानी होगी बनिस्बत सर्प बोलने में। तो सर्प अगर आप बोलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, उसका तद्भव सांप। यहाँ हस्तिन, हस्तिन का हो जाएगा आपका हाथी। पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पीछे का भाग जिसे हम कहेंगे पीठ। यहाँ पर धूम्र, अब धूम्र बोलने में थोड़ा सा जीभ को बड़ा कष्ट होता है, गले को भी कष्ट होता है, तो हम आसानी से धुआं बोल देते हैं। धुआं बोलने में ज़्यादा हमको सांस भी नहीं खींचना है, ज़्यादा गले को दिक्कत भी नहीं है, और धूम्र वो जब बोलेंगे तो अंदर से मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर बना करके बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर धूम्र का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, धुआं। उपवास, उपवास को हम साधारणतः क्या बोलते हैं तद्भव में, उपास। फिर आता है अश्रु, अभी हम लोगों ने उसको प्रश्न के रूप में देखा था। अश्रु का जो तद्भव होगा वो होगा आंसू, हम लोग अपने जनरल लाइफ में आंसू ही बोलते हैं, अश्रु रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में बोलते हैं, या जिस वही लोग बोलते हैं जो बाकायदा हिंदी का खूब अच्छा सा प्रयोग करते हैं वो अश्रु बोलेंगे, लेकिन बाकी हम लोग तद्भव ही बोलते हैं आंसू। स्याली, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो स्याली बोलता होगा, स्याली का तद्भव क्या है, साली, साली यानी पत्नी की बहन। मातुल, शायद ही कोई होगा जो मातुल बोलता होगा, हर लोग क्या बोलते हैं, मामा। अब अगर ऑप्शन आपका आ गया कि मामा तत्सम है क्या, तो अमूमन आदमी इसको निशान लगा देगा जी हाँ ये तत्सम है, लेकिन मामा तत्सम नहीं है, क्या है, मातुल तत्सम है, और मामा जो है वो क्या है, तद्भव है। कुक्कुर, हम लोग अगर कुक्कुर बोल देंगे तो लगेगा भैया ये व्यक्ति जो है अनपढ़ व्यक्ति है, इसे इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन कुक्कुर अगर वो बोल रहा है तो वह संस्कृत से लिया गया शब्द यानी तत्सम शब्द बोल रहा है। तो यहाँ पे कुत्ता शब्द नहीं बोलेंगे, यहाँ पे या तो बोलेंगे कुक्कुर या कुकुर, अब ये कुकुर बिगड़ करके कुत्ता हुआ है, तो यहाँ पर कुत्ता शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, कुत्ता तद्भव है और उसका जो तत्सम है वो है कुक्कुर। यहाँ आदित्यवार, आदित्यवार कोई नहीं बोलता है, आदित्यवार क्या है, तत्सम शब्द है किसका, इतवार यानी संडे का तत्सम है आदित्यवार। फिर आइए देखते हैं योद्धा, योद्धा को सरल आसानी शब्दों में बोलते हैं योद्धा। फिर आते हैं यहाँ श्रृंगार, श्रृंगार बोलने में हमें थोड़ा सा नाक से ध्वनि निकालनी पड़ेगी, तो श्रृंगार ना बोल के हम क्या सीधे बोल देते हैं, सिंगार। तो सिंगार बोलने में हमें नाक से थोड़ी कम ध्वनि निकालनी पड़ती है और आसानी से हमारा काम चल जाता है, तो उस श्रृंगार को तोड़ मरोड़ करके हम किस में ले लिए हैं, हिंदी में ले लिए हैं, जो क्या था, संस्कृत शब्द था, अब हमने उसको परिवर्तित किया और जैसे ही परिवर्तित किया उसका नया नामकरण हो गया तद्भव, यानी श्रृंगार का तद्भव क्या होगा, सिंगार। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें तत्सम और तद्भव कैसे हो सकते हैं। आपके पास बुक भी होगी, आपके पास कुछ मटेरियल भी होंगे क्लास के, आप उसको भी एक बार दोहरा लीजिएगा, इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी ध्यान में रखिएगा, और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आ जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 247।